जीवन के अंदर हमेशा ऐसे लोगों की संगति रखो जो ऐसी बात करे जो आपके जीवन को ज़रा सा भी बेहतर बनाने के अंदर कारगर साबित हो, यानी कि सकारात्मक सोच वाले साथियों की, सकारात्मक सोच की संगति रखो। अगर ऐसी कोई संगति नहीं है, फ्रेंड सर्किल नहीं है, तो भैया अपने आप के साथ यह जो वक्त बिताया करो, अपने आप के साथ वक्त बिताना तो और कहीं बेहतर है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। प्रश्न है अपना हिंदी साहित्य इतिहास के व्याख्यात्मक रूप से हम प्रश्न देख रहे हैं। यकीन जानिएगा, ये जो अपनी सीरीज चल रही है थोड़े थोड़े प्रश्नों वाली टॉप 10, आखिर तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत तगड़ा हो जाएगा, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और हम प्रश्न वही शामिल कर रहे हैं विशेष तौर से अपने राजस्थान के अंदर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड जो भर्ती होने वाली है उसके लिए प्रश्न विशेष तौर से हैं। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव? बताइए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? देखिए, पहला, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। ए विकल्प अपना ठीक हो जाएगा। अब हम इनकी व्याख्या देखें। पर्दा कहानी के लेखक कौन? यशपाल। व्याख्या में देखिए, इनकी अन्य जो कहानियां हैं इनकी किन की? यशपाल की। यशपाल की अन्य कहानियों में देखें तो पिंजरे की उड़ान, क्या है? पिंजरे की उड़ान, मकरील, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध। ठीक है, यशपाल की कहानियां हैं ये। मोहन राकेश की कहानियों में हम बात करें तो मलबे का मालिक, बहुत बार पूछी गई है, मोहन राकेश की है मलबे का मालिक, इंसान के खंडर। जब मलबे का मालिक मलबा हुआ तो मतलब खंडर हो गया, इंसान के खंडर, जानवर और जानवर, जब जानवरी प्रवृत्ति आ गई व्यक्ति के अंदर तो फिर वो खंडर में तब्दील कर देता है, मलबा ही मलबा कर देता है और उसका मालिक बन जाता है वो। इस प्रकार से याद रख सकते हो इनकी कहानियों को। कमलेश्वर की कहानियों की मैं बात करूं, राजा निरंबसिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा के अंदर आई है। बयान, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, राजा निरंबसिया, ये किनकी कहानियां हैं? कमलेश्वर की कहानियां हैं। आगे देखिए, राजेंद्र यादव की कहानियां, चौथा विकल्प जो अपना था। राजेंद्र यादव की कहानियों में देखें तो जहां लक्ष्मी कैद है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियां, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियाँ, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल, किसकी है? राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का है? नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह कौन सा है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या पत्थर गली। अगर पिछली सीरीज आपने देखी है, पिछली 2-4 सीरीज, तो आपने देखा देखा होगा इनकी कहानियाँ मैंने करवाई थी। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, पत्थर गली। जो पत्थर गली है, पत्थर गली किसका है? नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह। इनकी अन्य जो कहानियाँ वो हम देखें तो शामी कागज या शम्मी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। ठीक है, नासिरा शर्मा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश का, कमलेश्वर का, अमरकांत का या फिर धर्मवीर भारती का? जिंदगी और जोक, बताइए किसका है? तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा साथियों, जिंदगी और जोक जो कहानी संग्रह है वो है अमरकांत का। किसका है? अमरकांत। सी विकल्प अपना ठीक हो जाएगा, जिंदगी और जोक। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा के अंदर है जो पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं पूरी तरीके से। अमरकांत के जो अन्य कहानी संग्रह हैं उनमें मैं बात करूँ तो देश के लोग, पहला कहानी संग्रह जो है देश के लोग अमरकांत का, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, ये किसके हैं? अमरकांत के कहानी संग्रह हैं।
वहीं कमलेश्वर के कहानी संग्रह की हम बात करें, किसके? कमलेश्वर के। कमलेश्वर की कहानी संग्रह में देखिए आप, राजा निरंबशी, हमने ऊपर बात की कस्बे का आदमी। देखिए रिपीट होता है तो आप उससे बोरियत महसूस ना किया कीजिए। जब भी कोई चीज़ जब आप पढ़ भी रहे हो तो रिपीट कोई चीज़ हो जाती है, पहले पन्ने पर कोई चीज़ आई फिर पांचवें पन्ने पर वही चीज़ आ गई, वही आर्टिकल आ गया, मान लो जीके पढ़ रहे हो तो यानी कि वो रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा पढ़िए, स्किप मत कीजिए, ताकि जितनी बार एक चीज़ पढ़ी जाएगी वो रिपीटेशन से दिमाग के अंदर स्थायित्व लेगी, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः है जो वो फिट होती जाएगी। तो राजा निरंबसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। देखिए यहाँ पर एक दो रचनाएं और आ गई अन्य, आज़ादी मुबारक किसकी है? कमलेश्वर की कहानी संग्रह। बात करते हैं मोहन राकेश के कहानी संग्रहों में, तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ध्यान में रखना, फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी किसके हैं? मोहन राकेश के। धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जितने भी रचनाकार हैं सारे के इंपॉर्टेंट है, कई बार कूट केंद्र या सीधा सीधा प्रश्न है जो पूछा जाता है इनका। मुर्दों का गांव, धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। तो बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, स्वर्ग और पृथ्वी और मुर्दों का गांव, ये किसके कहानी संग्रह हैं? धर्मवीर भारती के। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय, जो कि मनोविश्लेषणवादी है तीनों, तो लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेखक त्रय की श्रेणी में रखा जाता है, वो कौन से मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय हैं जो इस इन विकल्पों में ठीक होगा? वो विकल्प जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी अज्ञेय या फिर देवराज, जैनेन्द्र अज्ञेय या देवराज, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी या फिर देवराज, कौन सा विकल्प ठीक होगा बताइए? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा अपना विकल्प संख्या, विकल्प नंबर एक, ए जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, ये मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय की कैटेगरी के अंदर है जो आते हैं, मन लेखक त्रय इनको कहा जाता है मनोविश्लेषणवादी। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखिए, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्ध कौन? जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय हैं, ठीक है, इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जैनेन्द्र की हम रचनाओं की बात करें, जैनेन्द्र की रचनाओं की बात करें तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब और जय संधि। नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि, वातायन, फांसी, किन की रचनाएं हैं? जैनेन्द्र की है। अब हम बात करें इलाचंद्र, इलाचंद्र की बात करें तो इलाचंद्र में देखिए रूपरेखा, रूपरेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल, लजीले कांटे, कंटीले फूल, लजीले कांटे, किनके हैं? तो भैया यह है इलाचंद्र जोशी के, ठीक है। अज्ञेय की बात करूं मैं, अज्ञेय की बात करूं तो विपत्गा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमरवल्लरी, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, सारों को याद आप रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग, प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था, उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे, या आकाशदीप, परिंदे, उसने कहा था, ईदगाह है, आकाशदीप, परिंदे, या उसने कहा था, कौन सा है जो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग सही है? सही उत्तर है यहाँ पर दो नंबर विकल्प बी ऑप्शन हो जाएगा, उसने कहा था एक नंबर, आकाशदीप दो नंबर, ईदगाह चार, उसने कहा था। अब प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं कैसे कैसे है, देख लीजिए, उसने कहा था प्रकाशन वर्ष क्या 1915, उसने कहा था प्रकाशन वर्ष क्या 1915, रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आकाशदीप, समय क्या मिलता है 1929, 1929 किसका? आकाशदीप का।
ठीक है। आकाशदीप का समय क्या 1929, और रचनाकार कौन जयशंकर प्रसाद, रचनाकार कौन जयशंकर प्रसाद। फिर बात करते हैं ईदगाह की, समय कितना मिलता है भैया 933, माफ़ कीजिए 1933, कितना 1933। रचना किसकी भैया प्रेमचंद की, रचना किसकी भैया प्रेमचंद की। परिंदे की बात करूँ, परिंदे की बात करूँ समय कितना मिलता है भैया 1960, परिंदे 1960 ईस्वी। रचना किसकी भैया निर्मल वर्मा की। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, समय आपको 1915 मिलता है। आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की है, समय आपको 1929 मिलता है। ईदगाह प्रेमचंद की है याद है, लेकिन समय 1933। परिंदे निर्मल वर्मा की है, समय 1960। तो 15 के बाद में 29, 29 के बाद में 33, 33 के बाद में 60। इस प्रकार से प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे जो अपना दूसरा विकल्प है वो यहाँ पर ठीक है जो हो जाता है। ये था आज का वीडियो, लाइक ज़रूर किया करें जब भी वीडियो देखें, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में स्टेटस भी लगाया करें, शेयर करें ताकि अन्य साथी भी जुड़े उनकी भी मदद हो। और पहली बार जो भी देख रहा है कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको सब्सक्राइब कर, घंटी आए उस पर क्लिक कर, और लिखा है उस पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे आपको, एक तो नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, एक कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह, सूचना वगैरह, अन्य फैक्ट की पोस्ट वगैरह वहाँ पर की जाती है। प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, नवसृजन क्लासेज नाम से उसको भी इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर कुछ फ्री टेस्ट भी डाले हुए हैं, बाकी वहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का टू द पॉइंट नोट्स पैटर्न पर बैच भी चल रहा है। अगर अच्छा लगे तो डेमो क्लास दे के आप ज्वाइन कर सकते हो, और जल्दी ही वहाँ पर कोर्स का जो शुल्क है वो भी कम करने वाला हूँ मैं। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलता।